आशा के मोती चैनल में नरसी जयंती व्रत कथा। वैशाख शुक्ल पक्ष की चौदस को नरसी जयंती मनाई जाती है। इस दिन नरसी भगवान खंबे को फाड़कर भगत प्रहलाद के रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। यह सतयुग की कथा है। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था। उनके दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्याक्षु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वारह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्याक्षु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भर कर प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी क्याधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भगत था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्याक्ष ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल विभंका ना हो सका। एक बार हिरण्याक्ष ने अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर जिंदा ही चिता में जलाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। जब हिरण्याक्ष का हर प्रयास विफल हो गया, तो एक दिन क्रोध में आग बबला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस खम्बे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खम्बे में भी है। यह सुनकर क्रोध से हिरण्याक्ष ने खम्बे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तब भी खम्बे को चीर कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया और प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय।